कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने शादियों में शिरकत करने वाले मेहमानों की संख्या को कम कर दिया है। इसके कारण अब कम लोगों की मौजूदगी में ही शादी के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस बीच देवरिया में एक शादी के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया, जहां बारातियों ने शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा तो वहीं दूल्हा और दुल्हन मास्क पहने ही पूरी शादी में नजर आए। इस मौके पर दूल्हा और दुल्हन ने शादी में आने वाले मेहमानों से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस कोरोना महामारी से हम सभी बचे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि आगे से किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो वहां पे मास्क ले जाएं, हाथों को सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं एक और संदेश एक और देना चाहता हूं, बताओ एक मिनट, आप दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी। आप लोगों ने क्या क्या किया है? हमने बारात लाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। मेन गेट पर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर रखा गया हुआ है, उसमें कई लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सभी लोग यहाँ मास्क लगाए हुए हैं और आगे भी हम किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे तो वहाँ पे इन सभी नियमों का गाइडलाइनों का पालन करेंगे। ये दो गज दूरी मास्क है जरूरी। वहीं दूल्हे के भाई ने बताया कि उन्होंने शादी के दौरान सभी निर्देशों का पालन किया। इस दौरान उनकी तरफ से सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया। सरकार के सारे नियमों का पालन किया गया है। दो गज दूरी के साथ हम लोग सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था किए थे। जो 100 बराती लगभग 70-80 बराती आए थे उनके लिए मास्क और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था थी। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? कोरोना एक महामारी है, इससे बच के रहिए और दो गज दूरी बनाए रखिए। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने शादी और धार्मिक पारिवारिक समारोह के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। योगी सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत सिर्फ 100 मेहमानों को ही शादियों में आने की इजाजत दी है। पहले शादियों में मेहमानों की संख्या 200 रखी गई थी, जिसे घटाकर आधी कर दी गई है। देवरिया से विकास द्विवेदी की रिपोर्ट।